वेलकम इन बायो यूनिट बाय डॉक्टर बंसोड़े। दोस्तों, आज हम जेनेटिक्स में से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कुछ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स का डिस्क्रिप्शन दिया है जिनमें डीएनए सीक्वेंसिंग किया है। सो विच आर दोज नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स इन विच डीएनए सीक्वेंसिंग इज डन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। सो ऐसे सिक्स नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स है जिनमें डीएनए सीक्वेंसिंग किया है। ये सिक्स ऑर्गेनिजम्स हमें एक सेंटेंस में से पता चल जाएंगे। सेंटेंस एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक सेंटेंस में सब ऑल सिक्स ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड। सो सेंटेंस है, एस टी इज़ बैड सो यू कैन मेक हैबिट ऑफ कार। ST is bad, so you can use or make habit of car. ST for yeast. ST is bad. BAD. B for bacteria. D for Drosophila. ST is bad, so you can use or make habit of car. Car. CR. C का मतलब है canor habitatis. और कैन मेक हैबिट में इसका नाम आएगा कैनोर हैबिटाइटिस इलीगेंस। कैनोर हैबिटाइटिस इलीगेंस, इट इज़ अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड। क्या नाम है उसका? कैनोर हैबिटाइटिस। इसलिए मैंने बताया है कि क्या यू कैन यूज़ और कैन यूज़ और मेक हैबिट और हैबिट कैनोर हैबिटाइटिस। सी में का कैनोर हैबिटाइटिस इलीगेंस। ए फॉर आर्बिडोप्सिस एंड आर फॉर राइस। दिस आर्बिडोप्सिस एंड राइस आर प्लांट्स। Canor habitatis is a nematode, then bacteria and yeast are microorganisms, and D for Drosophila is a fruit fly. So these are six non-human organisms in which the DNA sequencing was done. Thank you. ऐसे ही वीडियो देखने के लिए शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।